साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपना काफ़ी इंटरेस्ट जताया है। हालांकि दुनिया से इंडिया ईवी की रेस में थोड़ी सी पीछे ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडीज, ईवी की पॉपुलैरिटी एंड पेट्रोल के बढ़ते प्राइस देखकर इंडिया ज़्यादा देर तक पीछे नहीं रहने वाली है। तो व्हाट आर दी टॉप 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट यू कैन बाय राइट नाउ इन इंडियन मार्केट 2022? लेट्स फाइंड आउट। नमस्ते एवरीवन, दिस इज श्रुति सैनी एंड वेलकम बैक टू कार जासूस। नोट, दीज कार्स आर नॉट रैंक्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, दीज आर जस्ट टॉप बेस्ट 5 कार्स यू कैन बाय फ्रॉम ऑल अदर कार्स अवेलेबल। सो नंबर 5 पे है महिंद्रा EKUV100। हालांकि इस कार का लॉन्च जून 2022 को एक्सपेक्टेड था, अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, बट एक बार लॉन्च होते ही ये महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक SUV बन जाएगी। बताया जा रहा है कि ये कार एंटी लॉक ब्रेकिंग, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो जैसे और कई इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आएगी। इसमें 15.9 किलोवाट आवर की लिक्विड कूल्ड बैटरी भी होगी, जो कि फुल चार्ज पे 147 किलोमीटर की रेंज देगी। ये कार की प्राइस 8.25 लाख एक्स शोरूम के साथ स्टार्ट होने की खबर है। लिस्ट में नंबर 4 पे आती है हुंडई कोना इलेक्ट्रिक। इस कार में आती है एडवांस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर, जिसकी वजह से ये कार 0 to 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स में जा सकती है। ये एक प्रीमियम कैटेगरी की इलेक्ट्रिक कार मानी जाती है, जो प्रीमियम एंड प्रीमियम डुअल टोन वेरिएंट में आती है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 39.2 किलोवाट आवर की है, जो 57 मिनट्स फ्रॉम फास्ट चार्जर एंड 6 आवर्स फ्रॉम नॉर्मल चार्जर से चार्ज की जा सकती है। ये फुल चार्ज पर पूरी 452 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। मूविंग ऑन, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे है MG की ZS EV। ZS EV में 3-phase परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर आती है एंड ये प्रीमियम EV पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, डायमंड कट मशीन अलॉय व्हील्स एंड 2-variant एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव में आती है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 44.5 किलोवाट आवर है एंड ये 56 मिनट्स में फास्ट चार्जिंग से एंड 6 to 8 आवर्स नॉर्मल चार्जिंग से चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज पे ZS EV 340 किलोमीटर की रेंज देती है। MG ZS EV 20.88 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है एंड ये करंट रेड, फेरिस वाइट, सेबल ब्लैक एंड एशन सिल्वर में अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 2 पे आती है टाटा की टिगोर EV। ये इलेक्ट्रिक सेडन हाल ही में लॉन्च हुई है एंड इट्स पावर्ड बाय अ 3-phase AC इंडक्शन मोटर। टिगोर EV आल्सो कम्स इन 4 variants, XE, XM, XZ Plus एंड XZ Plus Dual Tone। The color offered are Egyptian blue and pearlescent white। टिगोर की बैटरी कैपेसिटी 21.5 किलोवाट आवर है, जो कि फुल चार्ज पे 142 किलोमीटर की रेंज देती है। इस कार को नॉर्मल चार्जर में 6 घंटे लगते हैं चार्ज होने के लिए एंड फास्ट चार्जर में 90 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने के लिए। टिगोर EV की स्टार्टिंग प्राइस है 9.54 लाख एक्स शोरूम। सो कमिंग डाउन टू नंबर 1 इन द लिस्ट, दैट इज टाटा की नेक्सॉन। NDTV कार एंड बाइक अवार्ड में ये बेस्ट सब कॉम्पैक्ट SUV ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती थी। इसके पेट्रोल वर्जन ने तो मार्केट में धूम मचा दी थी, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी मार्केट में धूम मचा रहा है। ये 3-phase परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर एंड अ लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी विथ लिक्विड कूलिंग के साथ आती है। नेक्सॉन की EV की बैटरी कैपेसिटी 30.2 किलोवाट आवर है एंड ये 0 to 80% सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो सकती है विथ अ फास्ट चार्जर। इम्प्रेसिव राइट? वैसे फुल चार्ज पे ये 312 किलोमीटर की ड्राइव रेंज देती है। नेक्सॉन की स्टार्टिंग प्राइस है 13.99 लाख एंड ये 5 variant में आती है, XM, XZ Plus, XZ Plus Dark Edition, XZ Plus LUX, XZ Plus LUX Dark Edition एंड ये 3 color ऑप्शन में भी अवेलेबल है, ब्लैक, ग्लेशियर वाइट एंड सिग्नेचर टील ब्लू में। सो दिस वॉज आर वीडियो गाइज। आपको क्या लगता है, इंडिया में EVs की वेव लाने के लिए कार कंपनीज को कितने प्राइस में EVs मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो फॉर श्योर।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो और थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्विक वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप ड्राइविंग।